सो हे गाइस, स्वागत है आपका माइंडपुर के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, मैं अभी आया हूँ डेजर्ट बायोम अपने मेन बेस के लिए थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठी करने। और मैं अपना मेन बेस बनाने वाला हूँ कंक्रीट का, वाइट कंक्रीट का। काफ़ी बढ़िया बेस बनेगा, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और इससे पहले हम लोग ग्रेवल ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं अपने कंक्रीट बनाने के लिए। सो अभी हमें इसके यहाँ से काफ़ी सारी सैंड कलेक्ट करनी है, उसके बाद हम लोगों को वो सारा जो है सैंड और ग्रेवल से हमें टेराकोटा बनाना है, कंक्रीट पाउडर बनाना है, और फिर उसको हम लोगों को सॉलिड कंक्रीट बना के अपना बेस का काम शुरू कर देना है। तो या अभी हम लोग सैंड कलेक्ट करने आए हुए हैं, और ग्रेवल भी मैंने एक डबल चेस्ट भर के कलेक्ट कर लिया है। सैंड भी मैं थोड़ी बहुत कलेक्ट करके लेके जा चुका हूँ, बट ये फाइनल टाइम है और अभी मैं अपनी पूरी इन्वेंट्री जो है भरने वाला हूँ सैंड से। और फिर या देखेंगे, आज अगर हमारा सारे रिसोर्स कम्प्लीटली कलेक्ट हो गए तो आज ही हम लोग अपने मेन बेस का काम शुरू कर देंगे, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ऑसम होने वाला है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो या स्टार्ट करते हैं यहाँ की अभी या सैंड का जो है कलेक्शन करना। सो या मैं मिलता हूँ आप लोगों से सैंड कलेक्ट करने के बाद। गाइस, अगर हमारे पास एफिशिएंसी 5 का शॉवल है ना, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहती टाइम की। अपना मेरे को भी हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए और आप देख सकते हो कितनी सारी सैंड मेरे पास कलेक्ट हो चुकी है, और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ कलेक्ट। सो या एफिशिएंसी 5 का शॉवल होने का ये फ़ायदा है, और अनब्रेकिंग भी लगाई हुई है, तो हाश काफ़ी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है हमारे पास। और अभी इसको नेदरराइट में कन्वर्ट करेंगे, और हाँ, आज हम नेदरराइट माइन करने जाएंगे, एक्चुअली क्या कहते हैं एंशियंट डेब्रीज माइन करने जाएंगे नेदर में। और देखते हैं आज मैं अपना पूरा आर्मर और टूल्स वगैरह नेदरराइट में अपग्रेड कर पाएंगे या नहीं। सो या फटाफट से अभी मेरे को थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो पड़े हैं अब उन्हीं को कलेक्ट कर लूँ अगर, तो फुल मेरी इन्वेंट्री भर जाएगी और हम यहाँ से जा सकते हैं फिर। तो अभी देखते हैं फटाफट से, यार मेरे ख्याल से हो तो जानी चाहिए। 64 सैंड मेरे ख्याल से रहेगी अब, और मेरा अभी शॉवल भी जो है मेंड करना है मेरे को। काफ़ी इसकी हेल्थ बहुत लो हो चुकी है मेरे शॉवल की, इसको भी मेरे को अभी मेंड करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपना सामान रखने के बाद रेक्ल्यूज के ज़ॉम्बी फार्म पे, ताकि मैं वहाँ पे मेंड कर सकूँ अपना शॉवल, क्योंकि और कोई एक्सपी फार्म, मेरा जो स्पाइडर वाला एक्सपी फार्म है वहाँ पे इतनी एक्सपी नहीं आ पाती, क्योंकि स्पाइडर जो है ऊपर चढ़ जाती हैं दीवारों से, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बट या एनीवेज, हम लोग फटाफट से यहाँ से कलेक्ट हो चुका है, स्टिक को फेंक देते हैं और जितनी भी सैंड आती है यहाँ से लेके चलते हैं फटाफट से अपने बेस पे। तो अभी हम लोग सैंड रख देते हैं यहाँ पे फटाफट से। ये मेरी चेस्ट है गाइस, ये देखो, ये बाकी की पहले जो मैं डेजर्ट वायो में पहले भी सैंड। हाँ भाई, लौंडे यूटिक के। अरे ब्लैक रेक्ल्यूज, ओहो नेदरराइट आर्मर। अरे अमीरी तो भाई रग में बसती है ब्लैक रेक्ल्यूज के, समझा गया यार। इतना जल्दी कैसे प्रोग्रेस कर लेते हो भाई, मैं तो अभी तक नेदर में मतलब जब ही गया था, जब तेरे साथ गया था उसके बाद से गया ही नहीं मैं। अरे मैंने एक्चुअली नेदरराइट खरीदा एकन से। ओ भाई मुझे भी दिलवा दे यार, मैं भी खरीद लूंगा। अरे वो उसने मेरे से मेरे को बेचने के बाद उसको लगा वो लूट रहा है, तो उसने धंधा बंद कर दिया। ये भी सही है, वाह भाई वाह। और बता कैसे आना होगा। अरे तू किधर था रे, मैं तेरे को ढूंढ रहा था, कुछ बताना था तेरे को मैंने। क्या बता, यहीं था। अरे मैं जरा इधर गया था डेजर्ट बायोम में सैंड कलेक्ट करने, ये देख इसमें देख इस वाली चेस्ट। अरे मैंने पता है क्या, थोड़े से तेरे विलेजर्स थे ना, हाँ, उन नल्ले से बैठे थे, तो मैंने लाइब्रेरियंस में कन्वर्ट कर दिया उनको। अच्छा, हाँ इधर आ। अच्छा जो कली ब्रीड कर रहे थे विलेजर। हाँ मैंने देखा यार, घने सारे हो रहे हैं तो। हाँ, मेरे को चाहिए थी भाई किताब, तो मैंने वो किताब तो मिली नहीं खैर मेरे को, बट हाँ, मैंने ये कन्वर्ट कर दिए थोड़े से। कौन कौन से जैसे विलेजर दिखा। हाँ कहाँ गया रे, ये नल्ले भी हैं यार, अभी भी थोड़े से नल्ले हैं। अबे इसको तो कुछ भी नहीं है, ये देख लूटिंग 3 वाला। लूटिंग 3 24, इसको कटवा लेंगे सस्ता हो जाएगा, कटवा देंगे। नाइस। हाँ एक और था, ये रहा इन्फिनिटी वाला मिला एक। हाँ ये अच्छा, और एक तीसरा बनाना है आपको। अबे ये तो इन्फिनिटी वाला तो वैसे ही सस्ते में दे रहा है, 2 एमराल्ड की एक बुक दे रहा है। कोई नल्ला सा दिखे तो बता, लेक्टन प्लेस कर वो जो तोड़ी है मैंने। काम अच्छा ये रही। हाँ कोई आएगा, देखा आया, ये आया क्या है इसके पास, देखिए ये इन्फिनिटी वाला ही है, ये यही हुआ है इन्फिनिटी, ये थोड़ी होगा यार, यही हुआ ये होगा। नई शर्त लगा ले, ये देख तो ये इसका स्टेशन है मतलब इन्फिनिटी वाले का, लगा उधर लगाइयो, फैल जाए कहीं, फैल जा। अभी रात नहीं हो ना ये। ओ शिट, तारे सो रहे थे शायद, किसी ने देखा ना हो भाई। बट आयरन गोलम तो है बाहर, वो तो उसको थोड़ी दिख रहा है कुछ। अच्छा वो देखता है जब ही अगर होता है, और क्या उसको थोड़ी पता है यहाँ पे खोपचे में क्या चलता है। ओ भाई थैंक गॉड, देखो कोई महंगा तो नहीं किया किसी ने कुछ करा, पता भी नहीं चलेगा किधर। अनब्रेकिंग वाला कौन है, अनब्रेकिंग वाला
एक एमरल्ड में दे रहा था मेरे को अनब्रेकिंग। अब ये होगा ये आयरन। हाँ ये हाँ एक में ही दे रहा है, नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है ठीक, बढ़िया। मैं कह रहा था ना सो रहे थे, देखा नहीं होगा इन्होंने। चलो श्याने अब कहाँ गया वो, कौन है भाई, कौन सा जॉबलेस है? स्टार्ट। हाँ भाई आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट ले लो। कौन सा है, कौन सा है? उर्रे यूटीके। हाँ सिल्क टच। एक मिनट सिल्क कितना सस्ता वो देख, चार है मेरा। लो भाई इसको तो, ये तो फ्री में दे रहा है। मेरे लिए तो सात है, तेरे लिए चार है। मेरे को चार एमरल्ड दिखा रहा है तो तू खरीद फिर रहा है। ला 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 चार एमरल्ड दे, ये ले चार एमरल्ड एक बुक, और इसको कटवा लेंगे तो भाई ये तो एक फ्री में रहेगा तैयार है। अरे तो चार कौन सा महंगा, कटवाने की जरूरत ही नहीं इसको। वही एक ही ले ली मैंने, इसके लॉक कर दिया इसको। नाइस रे सिल्क टच भाई, सारे विलेजर सब धड़ाधड़ बेचेंगे अब। अब तो ये दो तीन बच रहे हैं ना, इनके लिए भी लैक्टन वगैरह लगा लेंगे अपन। अरे वो सब बाद में, अभी ना मेरे को थोड़ा एलस्ट्रॉइड से कुछ काम है जरा। मेरे क्या को काम आ गया? अरे मेरे को कंक्रीट, तेरे को बताया ना मैंने अभी सैंड डेजर्ट गया था सैंड लेने। हाँ। और सैंड और ग्रेवल दोनों कलेक्ट किया है मैंने। हाँ। तो मेरे को वो चाहिएगा कंक्रीट पाउडर, तो उसके लिए बोन मिल चाहिए, उसके पास स्केलेटन स्पॉनर है ना, तो इसलिए। अबे तो मेरे से ले लेना, कल मैंने इतने सारे विदर मारे हैं भाई, मेरे पास बोन भर भर के है। कितनी होंगी यार, फिर भी मेरे को बहुत सारी चाहिए गिड़ाई। देख मेरे पास है अभी मतलब तीन स्टैक बोन है, एक स्टैक बोन से, एक स्टैक बोन से हाँ। तीन स्टैक डाई बनता है। अच्छा, और एक डाई से तेरा आठ ब्लॉक बनता है, तो तीन स्टैक डाई से मतलब समझ जा आठ आठ सोलह आठ चौबीस चौबीस स्टैक तेरा कॉन्क्रीट बन जाएगा। ठीक ठीक ठीक, तो मेरे को ना एक काम कर, एक स्टैक बोन से तीन स्टैक बनेंगे ना डाई। हाँ हाँ, तो मेरे को एक स्टैक बोन दे दे, प्राइस बता। अरे बोन बोन जैसी सस्ती चीज, चल एक डायमंड दे दे तू, और क्या। अभी अभी लेके घुमा है क्या तू अंडर चेस्ट में तेरे? मैं सब रखता हूँ अंडर चेस्ट में, पता नहीं क्या क्या रख लेता हूँ, तो तेरे को पता भी ना चले। अरे वाह ला दे ये, और ये ले, नाइस ट्रेड जेन्युइन भाई, मजा आ गया। तो अभी मेरा काम फटाफट से हो जाएगा। अरे धन्यवाद भाई, जो भी कुछ चाहिए होगा ना अभी तेरे से ही कांटेक्ट कर लेते, तेरे पास हर चीज मिल जाएगी। अरे अपन रिक्लूज मैन डन डन, आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ कोई गड्ढा नहीं है तो कूदना नहीं है, वापस जाओ। ये क्या बदतमीजी है। नहीं मैंने कई बार देखा रिक्लूज के, रिक्लूज मैन के नाम बहुत बार, वो हीरो वाली एंट्री होती है वो, गड्ढा नहीं बोलते उसको, हीरो वाली एंट्री, गड्ढे में कूदता है। नहीं नहीं नगर पालिका वाला जोक नहीं मारना यहाँ पे। मेरे को अच्छा नहीं लगा ये, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चले जा, नहीं एमसीडी वाले बुला दूंगा मैं। तुम्हारे गड्ढे अब तुम खुद भरना। अरे अरे ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग बोन रख देते हैं यहाँ पे, और अपना सारा सामान जो है थोड़ा बहुत ग्रेवल ले लेते हैं, और उससे पहले हम लोगों को क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ यहाँ से ले लेते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, और इसके बाद हम लोग अपना कंक्रीट पाउडर बनाएंगे, और फिर उनको जो है सॉलिड कंक्रीट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो एक मिनट, पहले मैं इसे वापस रख दूँ, और ये डर्ट को भी रख दूँ, उसके बाद बाकी सामान तो रहने देते हैं। ग्रेवल अभी काम करते हैं, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, हाफ करते हैं, और हाफ ले लेते हैं सैंड। ओके सो इतना बहुत हो गया, और अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं एकदम स्वाइप करके सब चीज़ें एकदम से ट्रांसफ़र कैसे कर लेता हूँ, तो ये एक मोड है जो सर्वाइवल में लगता है माइनक्राफ्ट जावा में, जिससे जिसका नाम है माउस विली, जिससे सारे जो चेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यूज़ करके। ये देखो चेस्ट में उल्टा सीधा सामान रखा है, मैं एक बटन दबाऊंगा और सारा सामान अपने आप सीधा हो जाएगा ऐसे। इसमें ये देखो, ये देखो सारा सॉल्ट होके अपने आप सॉल्ट हो जाएगा। तो ये एक मोड है माउस विली मोड, जिसमें चेस्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वन क्लिक में। तो ये मेरे को काफ़ी यूज़फुल मोड लगा, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मेरे को बता देना, मैं सारे मोड्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट करके। एनीवेज तो अभी हमने सैंड भी ले ली, ये भी ले ली, और बोन भी चाहिए थी, हमने बोन रख क्यों दी। इसके बदले हम लोग काम करते हैं, वाटर बकेट रख देते हैं, और अभी चलते हैं अपने छोटे से जो जहाँ पे हमारी लेक है छोटी सी, उसमें चलते हैं और फटाफट से इनको कर लेते हैं कन्वर्ट कंक्रीट में। अच्छा एक मिनट, कंक्रीट बनाया था, बनाया भी नहीं अभी हमने, एक मिनट। ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ हम लोग को कंक्रीट ले लेना है, इस हाथ में पिकैक्स रखनी है, इस हाथ में हमको बस ये करना है, नहीं नहीं थोड़ा स्लो करना है, और
या यही करना है। हाँ भाई ब्लैक रेक्लूज मजे आ रहे हैं। तबाही मच रही है भाई, तबाही मच रही है। सो गाइस ब्लैक रेक्लूज इधर मेरी हेल्प करने आ गया था, तो अभी हम दोनों लगे पड़े हैं ऐसे छोटा सा जो है अपना एरिया बना के यहाँ पे कंक्रीट तोड़े जा रहे हैं। और ये एरिया हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे कंक्रीट इधर उधर ना फैले, ताकि अगर इसके कंक्रीट आगे जाते तो मेरे पास आ जाए, मेरे कंक्रीट आगे जाते तो उसके पास आ जाए। सो या अभी रेक्लूज मेरी हेल्प करवा रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी हमें। और खत्म मेरा खत्म और क्या, ये भी सही है। ये ले भाई अभी और हैं, शुरू हो जा तू बस। लल्ला ये तो ब्लॉक ही फेंक रहा तू। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर हो गए मतलब वो एक स्टैक दिया मैंने तेरे को, बस एक स्टैक रह गया और एक स्टैक ये रहा। ओके सो गाइज हमारा सारे कंक्रीट जो है कन्वर्ट हो चुके हैं हमारे सॉलिड कंक्रीट में, सारे कंक्रीट पाउडर्स। और अभी हम तैयार हैं अपना बेस बनाने के लिए। उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ कि और कुछ हमें चाहिए था या नहीं। एक काम करते हैं थोड़ी सी डर्ट भी हम ले लेते हैं, क्योंकि फिल करने को यहाँ पे शायद हमें पड़ सकता है थोड़ी बहुत जगह फिल करने के लिए डर्ट से। तो या अभी गाइज देखो मेरे पास रिप्ले मोड तो नहीं है, तो मैं आपको टाइम लैप्स तो नहीं दिखा सकता, बट मैं छोटे छोटे क्लिप्स में बनाऊँगा अपना पूरा बेस। सो अभी यार स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं देख लूँ जगह कहाँ से बनाना है मेरे को। और ये मैंने जगह जो है एक्चुअली सेलेक्ट कर दी अपने मेन बेस के लिए। सामने एकदम गेट है, इधर इधर मेरे बाकी के चीज़ें आ जाएंगी, बाकी के बिल्ड्स। और यहाँ से मेरे को बनाना है तो ये चीज़, यही चीज़ मिडल रखते हैं। नाइस, ये ठीक है। तो या यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं और शुरू करते हैं अपना बिल्ड बनाना, देखते हैं कितना बन पाता है आज में। या तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस इधर मैं अभी अपना जो है परफेक्ट एक सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरा सर्कुलर में थोड़ा सा होगा, और मैं पूरी काउंट करके देखना पड़ रहा है सर्कल एक्यूरेट है कि नहीं, तो वो सब देख देख के मुझे जो है बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। देखते हैं गाइस, इसमें टाइम तो लगेगा काफ़ी। ऑल राइट सो गाइज ये हमारा परफेक्ट सर्कल बन गया है। और इस ये क्या देख रही है इधर, ये भी सही है, कूड़ा कचरा फेंक रही है। दिस इज माई बेस नॉट योर डस्ट बिन। ये भी सही है गाइस। तो मैंने यहाँ पे अपने जो बेस की जो है वॉल्स अभी 9 ब्लॉक्स की हाइट की कर दी है, और होपफुली सीजन भी चली गई अपना कचरा फेंक के यहाँ से। बट एनीवेज यहाँ तक 9 ब्लॉक्स की मैंने हाइट रखी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता रखना, और शाबी रात भी होने वाली है। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। तो अभी नीचे उतरते हैं यहाँ से, और मेरे को एक वाटर बकेट लेनी पड़ेगी अपने पास, क्योंकि ये दिक्कत है ना। एनीवेज तो दूर से अभी थोड़ा सा जाके देखते हैं कि क्या ठीक बना है साइज़। अभी साइज़ वगैरह ठीक है बेस का, आई गेस ठीक है इतना तो, मतलब ठीक है क्योंकि मेरे और भी बिल्ड्स आएंगे ना, तो इस हिसाब से ये ठीक है। बाकी इसको अभी, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, अभी और अच्छा बनाएंगे इसको। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाटर बकेट ले लेता हूँ, प्लस अभी इसमें थोड़ा से और चेंजेस करने हैं मेरे को। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसका डोर वगैरह भी आज ही करेंगे सब कुछ। मेन एक काम करते हैं, मेन जो पूरा अंदर से हम बाद में करेंगे, अभी एक्सटीरियर जो भी होना है ना वो आज की वीडियो में हम लोग कर देंगे कंप्लीट। अभी मेरे को साइड में से इसके एक, इस साइड से मेरे को इधर एक जो है एरिया बनाना है अपने बेस में से, और एक ऐसा ही सेम सिमिलर मिरर साइड करके इस साइड भी बनाना है। तो ये मेरे को ये पूरा जो है एरिया जो है क्लियर करना पड़ेगा, ग्रास वाला डर्ट वाला, और उस साइड से भी सेम इस लेवल का करना पड़ेगा जिस लेवल पर मेरा बेस है अभी। और बाद में हम लोग इसकी जो फ्लोरिंग वगैरह ये वाली ये सब बाद में चेंज करेंगे, जब हो जाएंगे अपने पास अच्छे खासे रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज की भी कमी है, प्लस हम लोग ये चीज़ को अभी तोड़ देते हैं, इसको अभी हम लोग दूसरी फ्लोरिंग करेंगे, तो ये चीज़ हम बाद में लगाएंगे। और एनीवेज अभी इतना तो हो गया, इसकी सीलिंग हम लोग नहीं बनाने वाले क्योंकि ऊपर बनेगा डोम, तो डोम के लिए रिसोर्सेज थोड़े से
अलग टाइप के चाहिए, जो भी मेरे पास नहीं है वो मैं बाद में अगले फ्यूचर एपिसोड्स में करूँगा। बट अभी एक काम करते हैं, साइड में से जो हमें वो निकालना था इसमें से एक एरिया यहाँ पे वो निकालते हैं, उससे पहले ये पूरा एरिया ये वाला और उधर वाला भी वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सो या फटाफट करते हैं इसको भी। सीजन ने तो मेरे बेस को बिल्कुल कूड़ादान समझ लिया है, यहाँ खड़ी होके सारा कूड़ा फेंकती रहती है। इसको बोलना पड़ेगा भाई ऐसे गलत बात है, मैं भी यहाँ पे सब कुछ एक काम करूँगा, इधर लावा वाला एरिया बना दूंगा, जो भी फेंकेगी डायरेक्ट लावा में। ओके तो अभी मेरे को आज लग रहा है ना मेरा शवल आज ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो मेरे को जो है अपने शवल की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इसको मेंड भी करना पड़ेगा बाद में। हम लोग गए नहीं, मैंने पहले ही सोच रखा था जाऊँगा बट जाना हुआ नहीं पाया क्योंकि बेस का काम काफ़ी ज़्यादा है भाई, बहुत टाइम लग रहा है इसमें। एनीवेज यहाँ का हो गया शायद इतना, और इधर से यार ये मैं इसे चाहता नहीं बंद करना बट शायद बंद करना पड़ सकता है क्योंकि इतने से एरिया में नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे तक मेरे को लेके जाना पड़ेगा, कम से कम यहाँ तक आएगा। और फिलहाल हम पहले उधर से भी क्लियर कर देते हैं और पहले उधर साइड का ही बना देंगे उधर, क्योंकि कोई पानी का सोर्स नहीं है बट उधर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, नहीं पेड़ पौधे दूर हैं। ओके इधर का पहले हम लोग कर लेते हैं, इधर का हो जाएगा इजीली। सो यार फटाफट से इसको भी शवल करते हैं। गाइस आज मुझे पक्का विश्वास हो रहा है कि मेरा शवल जाएगा हर हालत में भाई, इसका भाई पूरा डैमेज होने वाला है ये। एनीवेज इसको मेंड करना पड़ेगा जल्द से जल्द। एनीवेज ठीक है, तो ये देखो गाइस यहाँ से जो है ये मेरा एरिया तो मैंने क्लियर कर दिया और मेरे बेस में से मैं यहाँ इस साइड से एक जो है इसको तोड़ना नहीं है भाई। ओके इस बेस से इधर से एक ऐसे वो निकाल लूँगा, एक एरिया रूम सा बनाऊँगा इधर, तो उसके लिए मेरे को एक्चुअली पूरा काउंट करके जो है करना पड़ेगा। इधर से मैं लेता हूँ अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ये ठीक है 4 4 3 3 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी करते हैं इस साइड, हाँ इसी साइड। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट 1 2 3। हाँ अभी ठीक है, अभी बिल्कुल सीधा जाएगा ये। नाइस अब इसको मेरे को बिल्कुल सेम जैसे मेरा बेस है उसी हाइट पे जो है इसको ऊपर उठाना पड़ेगा मेरे को। हाँ यार इसमें बहुत सारे कंक्रीट लगने वाले हैं, मेरे ख्याल से इतने भी कम पड़ेंगे, उस साइड भी करना है मेरे को ऐसा ही, प्लस अभी इसके अलावा और भी कंक्रीट लगने वाले हैं। तो यार पहले मैं इधर भी कर दे रहा हूँ, अब मेरे को एक एक जो है कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाना है, तो याद रख के करके जो है करना पड़ेगा। पहले मैं एक बार दोबारा से देखाऊँ, दूसरे वाले डेप्थ में पहले ब्लॉक से मैंने ये 4 4 3 3 3 3 करके लिया है, 4 4 3 3 3 3, ठीक है बनाते हैं गाइस इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। मेरा जो बाहर वाला एंट्रेंस है वो इधर है और मेरे बेस का जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सामने नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा करके है, तो कोई बात नहीं उससे कोई फ़र्क वैसे पड़ेगा तो नहीं, हम लोग पाथ बना देंगे टेढ़ा। प्लस अभी मैंने बाउंड्रीज बना तो दी इधर भी और इस साइड भी, अब इनको ऊपर उठाना है बाउंड्रीज को, बहुत सारा काम है गाइस और रिसोर्सेज भी बहुत सारे लगने वाले हैं। और गाइस एक जो है प्रॉब्लम जो थी वो भी आई थी, जो कि थी ये वाली जो पानी था इधर, उस पानी के ऊपर से मेरे को इसको लेके आना पड़ा क्योंकि या जगह कम पड़ रही थी और इसको मेरे को अभी ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ेगा, इतना नहीं इतना। ओके इसको कोई बात नहीं, इतना एरिया भी बहुत है और पानी तो नहीं तो हम कस्टम पाउंड बना लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, अरे ये वाला ब्लॉक नहीं लगाना भैया, ये वैसे ही कम पड़ जाएंगे। ऑल राइट तो ये हमारा बेस का जो है एक तरह से फॉर्मेट कह सकते हो, फॉर्मेट रेडी है, अभी इस फॉर्मेट पे जो है वर्क करना है, इसको शेप देनी है। तो पिकैक्स साथ में लेके शुरू हो जाते हैं, इसको जो है हाइट देते हैं दोनों तरफ से, हाइट देके देखते हैं अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी तो, रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ती तो करते रहेंगे, नहीं तो आगे देखते हैं क्या करना है गाइस। 3 1 2 3 1 2 3। सो गाइस फाइनली
यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आज, सही बता रहा हूँ, सीरियसली बहुत मेहनत लग रही है मेरे को ये वाला जो है वीडियो रिकॉर्ड करने में, और अभी देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। सो फाइनली गाइस, ऐसा कुछ हमारा बेस का जो है शेप अभी तक बनी है, और इसमें अभी तक डोर बनाना है, ऊपर डोम बनाना है, ये भी सही है। ऑलराइट, सो गाइस ऐसा वाला लग रहा है हमारा बेस अभी के लिए फ़िलहाल तो। मेरे पास रिसोर्सेज भी अभी देखो कम पड़ गए, कंक्रीट मेरे को लग रहा था ये ज़्यादा रहेंगे कंक्रीट, बट कम पड़ गए, और अभी तो मेरे को काफ़ी कुछ रिसोर्सेज चाहिए इसके ऊपर डोम बनाना है, उसके लिए मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा। हाँ बहुत सारा काम है, ब्लैकस्टोन चाहिए, ब्लैकस्टोन से इसका लेयर बनेगी ऊपर की एक और, तो काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारा काम मैं ऑफलाइन में भी कर लूँगा। सो या फिलहाल गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ इतना बेस अभी तक का पसंद आया होगा। प्लस अभी गाइज, अभी मैं ज़्यादा टाइम अपने बेस पे नहीं देने वाला, मेरे सही में बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी अपना बेस पे काम करने का, तो इसको मैं अभी यहीं पे जो है छोड़ देता हूँ। इसके अलावा अभी हम लोग चलते हैं नेदर में, क्योंकि मुझे चाहिए डेब्रीज, मुझे अपना आर्मर करना है अपग्रेड इसमें नेदर राइट में, तो या फटाफट से हम लोग देखते हैं चलते हैं नेदर में, और यस गाइस फटाफट से सारे रिसोर्सेज ले लेते हैं, मैं नेदर में माइनिंग करने चलते हैं और देखते हैं आज हम नेदरराइट इंगट बना पाते हैं या नहीं। सो या लेट्स गो। जवानों तैयार? जी मालिक तैयार हैं। आज हम जा रहे हैं डेब्रिस लैंड पे, डेब्रिस माइनिंग करने। लैंड पे आ चुके हैं, हम नीचे जा रहे हैं अब। हाँ मतलब आज हम जा रहे हैं डेब्रिस की गहराइयों में। हाँ ये कह सकते हैं नेदर की गहराइयों में, डेब्रिस की खोज में। वी आर नाउ फाइनली गोइंग डीपर यू नो। और यहाँ पर किसी ने कल्याण कर रखा है पहले से, मेरी माइंड में दवाई मचा रखी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई, मेरी माइंड थी ये। इतना कैसे कर लेता है कोई? अरे मेरी माइंड थी ये, पता नहीं किसने इतना डिक कर दिया। और अभी हम हैं 15 लेवल पे, इसी लेवल पे मिलते हैं ना डेब्रिस? हाँ शायद, पता नहीं शायद। वाह जी वाह, लॉल। अरे भाई मेरी माइंड किसी ने दबा कर दिया यार। वो मिली मिली डेब्री मिली, मजे आ गए। हाँ हाँ मिली, दो दो नहीं डेब्री नहीं आया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को जरा ब्राइटनेस फुल है बट मेरे को डेवरी जैसा लगा वो। लेफ्टिनेंट ड्यूटी के मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं यार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लगता ही है भाई इसमें। फाइनली गाइस बहुत टाइम लग गया यार। रिक्लूस तेरे को कितने मिल गए डेवरीज? भाई मेरे को 9-10 कुछ मिला है, मैंने भाई एंडर चेस्ट में डाल दिया, मेरे को याद नहीं। मेरे को मैंने भी एंडर चेस्ट में डाल दिया वैसे तो, बट ओ मिली मिली मिली, एक और मिली। हाँ भाई एक मिनट, अरे तेरा तो पूरा बन चुका है तो तू रखेगा क्या? अपना बता पहले। भाई एक ओ भाई एक और मिली, दो है यहाँ। रुक जा मेरी इस यही भर गई। देख के मेरे को लग नहीं रहा मेरे को देना चाहिए, बट मैं दे दूंगा। भाई खुद इंचेंटेड आर्मर में घूम रहा है इसमें, नेदरराइट के आर्मर में। हां आसपास देख, अंधे और भी हो सकते हैं भैया। अपनी एक पिकैक्स के लिए तार रखूंगा, बाकी देखूंगा सारे तेरे को। नहीं और नहीं है शायद। ऑलराइट बस भाई बस 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 है। चलो पहले तो रुक जा, एंडर चेस्ट मैं रखता हूँ यहाँ पे, या तू रख। देख ऊपर से लावा टपक रहा है, लावा के जस्ट नीचे हैं हम। मेरे पास 14 तो एंडर चेस्ट में है, दो ये हो गई 16 हो गई टोटल। मेरे पास 9 पड़ी हैं एंडर चेस्ट में। 16 और 9 25 में हो जाएगा ना सब कुछ? कितने बनती हैं, कितने से कितने बनती हैं? 4 से 1 बनती है। 4 से 1 यानी कि 5 4 6 24, 6 बन जाएगी। अच्छा 25 है ना, हाँ तो 5 बन जाएंगी। एक और यार मिल जाए कहीं से तो मजा आ जाए। 24 हाँ 6 बन जाएंगी तेरी। 25 चाहिए, 25 कहाँ से चाहिए, 24 चाहिए थे। अरे हाँ 24, 6 बन जाएगी, 24 चाहिए। अभी बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढे? मैं मेरे साथ था, मैं हूँ ना, मेरे को सब आता है। चलो चलो चलो। और फाइनली गाइज ये हमारी सारी डेब्रिस पिघल चुकी है, नाइस ओके। और अभी स्मिथिंग टेबल हमने अपने बेस पे बनाई थी, और यहाँ पे जो ये रेक्लूज अपने नेदर रख पिघला के रखे गया है, तो कोई बात नहीं छोड़ो उसे। अभी हम लोग अपना ये नेदरराइट में अपग्रेड करते हैं अपना पूरा आर्मर, और देखते हैं अगर बचते हैं नेदरराइट इंगट तो टूल्स भी कर लेंगे थोड़े बहुत। सो पहले आर्मर उतार लेते हैं, अभी पहले हेलमेट करते हैं। ओ नहीं पहले बनाने तो पड़ेंगे इंगट्स, ये रहे इंगट्स और ये बन गए।
छः इंगट। तो पहले हमें करना है हेलमेट, फिर चेस्ट प्लेट, पजामा और जूते। और मेरे को अचीवमेंट मिल गई है, कवर मेन डेब्रिज। और क्या म्यूजिक बचा भाई, मज़ा ही आ गया। जी जी ऑल राइट गाइज, तो आई गेस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। हम लोगों ने बेस पे भी अपने काम किया है, थोड़ी बहुत नेदरराइट माइनिंग करी, एक्चुअली डेब्रिज माइनिंग करी, और डेब्रिज भी हमारे पास आ गई। हमारे पास नेदरराइट का आर्मर पूरा आ चुका है। इनका क्या करूँ मैं, इनसे भी फाइनली छुटकारा मैं बाद में ले लूँगा। एनीवेज गाइज, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।